नमस्कार, मैं नेहा साहिन, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। घर बैठे बनवा सकेंगे आधार कार्ड, 7000 डाकिया होंगे तैनात। बिहार में वेतन भुगतान संकट, 1610 हेडमास्टरों की वेतन पर लगी रोक। ककोलत में बारिश का कहर, सैलाब से गांव में तबाही, परवेश पर लगी रोक। सर्वे के बाद राशन कार्ड की तरह मिलेगा जमीन कार्ड, जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज नहीं होने पर भी भरे सौ घोषणा पत्र। ये वजह है कि एल राहुल के इंस्टाग्राम पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। घर बैठे बनवा सकेंगे आधार कार्ड, 7000 डाकिया होंगे तैनात। राज्य सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया है जिसके तहत बच्चों के आधार कार्ड घर बैठे बनाए जाएंगे। इस काम के लिए राज्य में 7000 डाकियों को प्रशिक्षित किया जाएगा जो अब घर घर जाकर आधार कार्ड बनाएंगे। वर्तमान में बिहार में 10000 डाकियां हैं जिनमें से 2800 डाकिया पहले से ही मोबाइल किट के जरिए आधार कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। अब इस संख्या को बढ़ाकर 7000 किया जाएगा। इन डाकियों को आधार कार्ड बनाने के लिए एक खास प्रशिक्षण दिया जाएगा और परीक्षा में सफल होने के बाद उन्हें ऑथेंटिकेशन नंबर प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया के तहत डाक विभाग ने UID से अगले 40 दिनों के लिए 3 स्लॉट बुक की है जिसमें डाकिया लिखित परीक्षा देंगे। इस काम को 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में वेतन भुगतान संकट, 1610 हेडमास्टरों की वेतन पर लगी रोक। औरंगाबाद जिले के 1610 विद्यालयों के हेडमास्टर और प्रभारी प्रधानाध्यापकों के वेतन को रोक दिया गया है। ये कठोर कदम ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्टूडेंट्स की एंट्री की कमी के कारण उठाया गया है। बता दें कि शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इन सभी प्रधानाध्यापकों की ओर से पोर्टल पर नामांकित बच्चों की 80% से कम एंट्री की गई है, जबकि विभागीय निर्देशों के अनुसार 100% एंट्री सुनिश्चित करनी थी। आदेश में ये भी कहा गया है कि यदि अगले एक सप्ताह में 100% एंट्री नहीं की जाती तो अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस सूची में दाऊदनगर, गोह, औरंगाबाद, रफीगंज, ओबरा, नबीगंज, कुटुम्बा, देव, हसपुरा, मदनपुर और बारूण प्रखंड शामिल हैं। बिहार को मिले 10 नए IAS अफसर, अलग अलग जिलों में हुई SDO के तौर पर पोस्टिंग। बिहार में 2022 बैच के 10 नए IAS अधिकारियों को अलग अलग जिलों में SDO बनाया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दिया है। दिव्या शक्ति को दानापुर का SDO बनाया गया है, श्रेया श्री को मुजफ्फरपुर पश्चिमी का SDO बनाया गया है, पार्थ गुप्ता को पूर्णिया का SDO बनाया गया है, आशीष कुमार को सोनपुर का SDO बनाया गया है, किसलय कुशवाहा को महुआ का SDO बनाया गया है, ऋतुराज प्रताप सिंह को नौगछिया का SDO बनाया गया है, गौरव कुमार को बघा का SDO बनाया गया है, काजले वैभव नितिन को बिहार शरीफ का SDO बनाया गया है, वही श्वेता भारती को मोतिहारी सदर का SDO और गौरव कुमार को पटना सदर का SDO बनाया गया है। ककोलत में बारिश का कहर, सैलाब से गांव में तबाही, परवेश पर लगी रोक। नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड के थाली अंतर्गत स्थित ककोलत जलप्रपात में अचानक बाढ़ आ जाने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण ककोलत जलप्रपात का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है जिससे पूरा कुंड परिसर पानी से भर गया। इस जलप्रपात का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि स्थिति बेहद खतरनाक हो गई है। फिलहाल ककोलत जलप्रपात में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और अधिकारियों द्वारा स्थिति की निगरानी की जा रही है। RRB ने बढ़ाई रेलवे भर्ती में 5000 से ज्यादा पद, फिर से शुरू होगा आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने रेलवे टेक्नीशियन भर्ती में पदों की संख्या में अचानक और भारी बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां कुल 9144 पदों की घोषणा की गई थी, अब ये संख्या बढ़कर 14298 हो गई है। इस जानकारी की पुष्टि 9 मार्च को जारी की गई भर्ती नोटिफिकेशन के माध्यम से की गई थी। आवेदन की प्रक्रिया 8 अप्रैल तक चली थी। अब रेलवे ने यह भी ऐलान किया है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन किया था उन्हें अपने RRB ऑप्शन बदलने का एक नया मौका मिलेगा। उम्मीदवार अब अपने चुने गए RRB के भीतर क्षेत्रीय रेलवे कार्यशाला और PU के लिए वरीयता के साथ साथ अलग अलग कैटेगरी के पदों के लिए भी वरीयता दे सकेंगे।
ये लिंक जल्द ही सभी आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध होगा और ये लिंक 15 दिनों तक एक्टिव रहेगा। साथ ही इस बार आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती में केवल एक ही चरण की परीक्षा होगी, जो कि उम्मीदवारों के लिए राहत की बात है। स्वास्थ्य विभाग का फाइलेरिया अभियान 27 से 29 अगस्त तक होगा दवा का वितरण। फाइलेरिया नियंत्रण अभियान के तहत 10 अगस्त से शुरू हुए एमडीए के कार्यक्रम की प्रगति पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। राज्य फाइलेरिया कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद ने जिलावार अभियान की दवा सेवन की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि आगामी 27 से 29 अगस्त तक विशेष बूथ लगाकर फाइलेरिया रोधी दवाओं का वितरण किया जाएगा। इन बूथों पर इमरजेंसी किट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्टी, चक्कर आने की दवा और ओआरएस के पैकेट शामिल हैं। वहीं इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्टेट एनटीडी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश पांडे ने सभी जिलों से अपील की है दवा को लेकर किसी भी प्रकार के रिफ्यूजल को समाप्त करने के लिए पुनः भ्रमण करें। सर्वे के बाद राशन कार्ड की तरह मिलेगा जमीन कार्ड। जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज नहीं होने पर भी भरे सौघोषणा पत्र। भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गांव में ग्राम सभा लगाकर लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सर्वे कितना अहम है। विशेष सर्वेक्षण में सभी दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद लोगों को खतियान की कॉपी के अलावा जमीन कार्ड भी दिया जाएगा। बता दें, राशन कार्ड की तरह इस जमीन कार्ड में पूरा विवरण रहेगा, उसमें जमीन का नक्शा भी होगा। ऐसे में आपके पास जमीन के कागजात नहीं है पर वर्तमान में जमीन पर कब्जा है तो भी सौघोषणा पत्र भर दें और दस्तावेज खतियान में खोजें, क्योंकि खतियान में खोजने पर सारे दस्तावेज आपके मिल सकते हैं। जब पूरे कागजात हो जाएं तो उन्हें शिविर या अमीन के पास दे दें। इसके बाद भी यदि कोई रैयत चूक जाते हैं और उनके पक्ष में कोई प्रकाशन नहीं होता है तो प्रकाशित ड्राफ्ट के आधार पर अपील का मौका मिलेगा। सुनवाई के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ये प्रक्रिया ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन भी अपनाई जा सकती है। मोतिहारी में 4 फर्जी शिक्षकों पर FIR दर्ज, शिक्षा महकमे में मचा हड़कंप। शिक्षक बहाली में निगरानी कार्रवाई को लेकर फर्जी शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। निगरानी द्वारा बंजरिया थाना में बीते दिन 4 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि क्षमादान के बावजूद चिन्हित फर्जी शिक्षकों के द्वारा त्याग पत्र नहीं दिया गया था। इन चारों व्यक्तियों में पटना के पीरबहोर निवासी मोहम्मद सलाउद्दीन की पुत्री इकरा फातिमा, मोहम्मद अंसारी की बेटी नईमा परवीन, साहेबगंज मुजफ्फरपुर निवासी मोहम्मद सिद्दीकी की बेटी साबरा खातून और मुर्दाचक जीवधारा पिपराकोठी निवासी मोहम्मद खालिद के पुत्र मोहम्मद जायउद्दीन के नाम शामिल हैं। DAO ने बताया कि बंजरिया में इन 4 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी की कार्रवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने भी पुष्टि की है कि निगरानी के आवेदन पर इन चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। डॉक्टर के साथ साइबर फ्रॉड, SSP ने जांच के लिए बनाई विशेष टीम। बिहार के गया जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक डॉक्टर को साइबर ठगों ने 4 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट पर रखा और गिरफ्तारी का डर दिखाकर 4.40 करोड़ अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। इस मामले को लेकर पीड़ित डॉक्टर AN राय ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। वहीं इस मामले पर गया के SSP आशीष भारती ने कहा कि साइबर अपराधी के द्वारा CBI के नाम पर डरा धमका कर साइबर ठगी किया गया है। इस मामले को लेकर SIT का गठन किया गया है। NCRP पोर्टल के माध्यम से अब तक इस कांड में करीब 61 लाख रुपए होल्ड करा दिए गए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। IGIMS पटना में नई प्राइमरी एंजियोप्लास्टी यूनिट का आगाज। बिहार के लोगों को अब एंजियोप्लास्टी के लिए लंबी दिक्कतें नहीं उठानी पड़ेगी। बता दें कि IGIMS पटना में एक नई यूनिट शुरू होने जा रही है, जो विशेष रूप से हार्ट अटैक से पीड़ित युवाओं के लिए बनाई गई है। इस प्राइमरी एंजियोप्लास्टी यूनिट में मरीजों को तुरंत हार्ट अटैक के दौरान धमनियों के ब्लॉकेज को हटाने, स्टेंट लगाने और बाहर से पेसमेकर लगाने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए IGIMS के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा कि ये यूनिट अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। वहीं हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रवि बिश्रू ने बताया कि मरीजों को अब मिनटों में एंजियोप्लास्टी की सुविधा मिलेगी। मुजफ्फरपुर में 400 कार्टन विदेशी शराब जब्त।
मुजफ्फरपुर के उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। ने कंटेनर के तहखाने से 400 कार्टन विदेशी शराब की खेप जब्त की है। इस दौरान शराब तस्कर मौके से भागने में सफल रहे हैं। हालांकि पिकअप वाहनों को जब्त कर लिया गया है और तस्कर की गिरफ्तारी के लिए टीम ने आगे की कार्रवाई जो है शुरू कर दी है। इस मामले पर उत्पाद सब इंस्पेक्टर सोनी माहिवाल ने बताया कि मद्य निषेध थाना के वरीय अधिकारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कंटेनर ट्रक से मुरौल प्रखंड के पिलखी बांध के पास विदेशी शराब की बड़ी खेप पहुंची है, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने दल बल के साथ मौके पर जाकर छापेमारी की, जहाँ से 400 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया है। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और पशुपति पारस के मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस से मुलाकात की। ये मुलाकात 21 अगस्त की रात हुई और इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सूत्रों के अनुसार ये मुलाकात बीजेपी के आलाकमान के निर्देश पर की गई थी। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जायसवाल को पशुपति पारस के पास जाकर एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने के लिए कहा गया था। इस मुलाकात में जायसवाल ने पारस को आश्वस्त किया है कि बीजेपी उनकी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में पर्याप्त महत्व देगी और लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति दोबारा नहीं आने दी जाएगी। बीजेपी के इस कदम को लेकर सियासी विश्लेषक मानते हैं कि ये चिराग पासवान पर दबाव डालने की एक रणनीति भी हो सकती है। चिराग पासवान की हालिया बयानबाजी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और यूपीएससी की नियुक्तियों को लेकर थी, बीजेपी आलाकमान को चिंतित कर रही है। तेजस्वी यादव बोले, किसी भी कीमत पर संसद से पारित नहीं होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। बिहार में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज मुस्लिम तंजीमों के ओहदेदारों से मुलाकात की और इस बिल के खिलाफ चर्चा की। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि वे इस बिल को किसी भी कीमत पर संसद से पारित नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि इस बिल से सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों के धार्मिक, सांस्कृतिक और संपत्ति के अधिकार प्रभावित होंगे और ये एक गलत नजीर पेश करेगा। वही वक्फ संशोधन बिल 2024 पर चर्चा के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक बीते दिन भी दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी में हुई। इस बैठक में अधिकतर सदस्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रेजेंटेशन से असंतुष्ट नजर आए। विपक्षी दलों के सांसदों ने कई मुद्दों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार दौरे पर। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बिहार दौरा है। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित शहीद रामफल मंडल के शहादत दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस विशेष कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ प्रदेश के प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। शिवराज सिंह यहाँ आकर बिहार के नेताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति के बारे में महत्वपूर्ण टिप्स देंगे। केएल राहुल के इंस्टाग्राम पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल की हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। केएल राहुल ने एक स्टोरी साझा करते हुए जल्द ही एक बड़ी घोषणा करने की बात कही है। इस स्टोरी में उन्होंने लिखा कि मुझे कुछ घोषणा करनी है, आप बने रहिए। इस स्टोरी के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर विभिन्न अटकलें शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे उनके क्रिकेट संन्यास से जोड़ रहे हैं, जबकि कई इसे आईपीएल से जुड़ी किसी घोषणा के रूप में देख रहे हैं। हालांकि केएल राहुल के आधिकारिक इंस्टाग्राम पर संन्यास की कोई पुष्टि नहीं है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अन्य स्टोरी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केएल राहुल ने प्रोफेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, लेकिन फैंस ने इसे फेक न्यूज बताते हुए नकार दिया है। केएल राहुल के संन्यास की खबरों की पुष्टि नहीं है। उनके संन्यास को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। बिहारी न्यूज संन्यास की खबर की पुष्टि नहीं करता। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, संजीव कुमार, गुनर शर्मा, मोहम्मद शाकिर हुसैन, सादुल्लाह पलवी, करण राज, राजकिशोर महतो, अजीत कुमार, मोहम्मद अरमान, नौशाद रजा, मोहम्मद अजमेर, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, विजय कुमार, सपना कुमारी, सुभाष प्रसाद, बाबूलाल मरांडी, राकेश मिश्रा, अनवर करीम खान, सहनाज खातून, अरुण प्रभाकर, राजकिशोर महतो।
इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, श्याम रजक को पार्टी छोड़ देने से आरजेडी को फर्क पड़ेगा या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज।